हेलो दोस्त, नमस्ते। मैं मनोज, आपका दोस्त। मैं हमेशा आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आते रहता हूं जो आपके काम के लायक होता है। जी हां दोस्तों, अगर आप शिक्षित बेरोजगार हैं और गरीब लाचार हैं और आपके पास पैसा भी नहीं है कि कोई छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करे, तो ये वीडियो आपके लायक है। हां तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए अंत तक वीडियो जरूर देखें। आज मैं एक जबरदस्त वीडियो बनाया हूं, तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। हां तो दोस्त, आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन बनेगा करोड़पति में कैसे जाए और कब जाए और क्या क्या होता है, पूरा डिटेल्स हिंदी में बताऊंगा। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी स्टेप छूट ना जाए। तो चलिए दोस्त, सीधे मुद्दे की बात करें। हाँ तो दोस्त, मेरा मानना है कि जो भी दोस्त जनरल कॉम्पिटिशन जैसे आर्मी, बैंक, रेलवे या बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए सुनहरा अवसर है। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा करोड़पति में एक बार जाने से आत्मविश्वास बढ़ जाती है। कौन बनेगा करोड़पति एक खेल शो है जो स्टार प्लस चैनल पर प्रसारित होता है। यह एक रियलिटी शो है जिसमें एक प्रतिभागी 15 प्रश्नों का समाधान करता है जो उन्हें करोड़पति बनने के लिए आवश्यक है। इस खेल में आपको निम्नलिखित चरणों को पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन कौन बनेगा करोड़पति में भाग लेने के लिए आपको स्टार प्लस चैनल की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा या कौन बनेगा करोड़पति के ऑफिशियल वेबसाइट से आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऑडिशन, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑडिशन देना होगा। ऑडिशन में आपको एक सीरीज के प्रश्नों का समाधान करना होगा। यदि आपके जवाब सही होते हैं तो आपको अगले चरण के लिए चुना जाएगा, और अगर फेल होते हैं तो वही से आपको आउट कर दिया जाएगा। फास्ट फिंगर्स, यह चरण एक स्पेशल चरण है जिसमें आपको एक सिर्फ 5 मिनट के लिए 10 प्रश्नों का समाधान करना होगा। यदि आपके जवाब सही होते हैं तो आपको एक राशि मिलेगी जो आपके खेल में उपयोग की जाएगी। सीट सिलेक्शन, इस चरण में आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाए जाने वाले प्रश्नों के जवाब देने की अनुमति दी जाएगी। इस चरण में सीट संख्या कम होती है जिससे खिलाड़ी का चयन किया जाता है। अस्पताल जवाब, इस चरण में आपको 15 सवालों के सेट में से एक सवाल के सही जवाब के लिए अस्पताल जाना होगा। यदि आपका जवाब सही होता है तो आपको अगले चरण के लिए चुना जाता है। विंडो शॉपिंग, इस चरण में आपको एक शॉपिंग मॉल में जाकर दिखाए गए विंडो में दिए गए वस्तुओं की कीमत बतानी होगी। यदि आप वस्तुओं की सही कीमत बताते हैं तो आपको एक राशि मिलेगी जो खेल में उपयोग की जाएगी। अंतिम खेल, इस चरण में आपको 15 प्रश्नों का समाधान करना होगा। यदि आप इन प्रश्नों के सही जवाब देते हैं तो आप करोड़पति बन जाएंगे। जितने बार आप इस खेल में भाग लेते हैं उतने ज्यादा आपकी संभावनाएं होती हैं कि आप करोड़पति बनेंगे। इस खेल में जीते गए धन का एक हिस्सा दान एवं सोशल आवाज उठाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आपके जीते गए धन को आप अपने स्वयं के बैंक खाते में ले सकते हैं या फिर अपने चुने गए धन समाज या संस्था के लिए दान कर सकते हैं। यह खेल आमतौर पर समूहों या एकल खिलाड़ियों के बीच खेला जाता है और एक लाइव होस्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस खेल में भाग लेने के लिए आपके पास एक तालिका होनी चाहिए जो आमतौर पर टेलीविजन शो के जरिए प्रदान की जाती है। आपको खेल के सभी चरणों के लिए तैयार होना चाहिए और अपनी जानकारी, सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति को मजबूत बनाना चाहिए। इस खेल में शामिल होने से पहले आपको खेल के नियम और तकनीकों को समझना चाहिए ताकि आप खेल में बेहतर प्रदर्शन कर सके। आपको जीवन के कई विषयों से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने होंगे, जैसे नामकरण, इतिहास, संगीत, खेल, सिनेमा, सामान्य ज्ञान आदि। खेल में आपके सामने 15 प्रश्न होंगे जिन्हें सही जवाब देने के लिए आपको 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना होगा। आपको दिए गए समय सीमा के भीतर उत्तर देने के लिए स्वयं के विचार तथा अन्य संबंधित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी चरण पर फंस जाते हैं तो आप अपने जानकारों से सहायता ले सकते हैं। यह चरण थोड़ा अधिक मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें बड़ी जीत होने की संभावना अधिक होती है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप पर संयम बरतें। इस शो में जीतना कुछ आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको अपने आसपास के विवेक, संयम, ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग करना होगा। आपके पास अच्छी तैयारी और तर्क शक्ति होनी चाहिए ताकि आप शो के सभी स्तरों को पार कर सके। इस शो को जीतने के लिए अधिकतर लोगों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाते हैं ताकि आप इस शो के लिए बेहतर तैयारी कर सके। हमेशा टीवी शो को ध्यान से देखें ताकि आप शो के नियमों, उत्तर देने के तरीकों और समय बांटने के तरीकों को अच्छी तरह समझ सकें। सामान्य ज्ञान को ताजगी से अपडेट करें। शो के लिए आपको कई विषयों का ज्ञान होना चाहिए, जैसे इतिहास, संगीत, खेल, सिनेमा और सामान्य ज्ञान। शो को ध्यान से देखने की कोशिश करें। आप शो के पूर्व संस्करणों को भी देख सकते हैं ताकि आप शो के फॉर्मेट को समझ सकें और शो में क्या हो रहा है उसे बेहतर तरीके से समझ सकें। अपने साथ उन लोगों को लेकर जाएं जो आपके खेलने के साथ खुश रहते हैं और जो आपको सबसे अच्छे तरीके से समर्थन देते हैं। एक तरह से एक सहायक के रूप में वे आपको शो के दौरान उपलब्ध जवाबों के लिए समर्थन दे सकते हैं। समय और स्कोप को ध्यान में रखते हुए जवाब दें। कभी कभी अंतिम उत्तर देने के लिए अधिक समय का उपयोग करना होता है, लेकिन यदि आप समय पर सही उत्तर नहीं दे पाएंगे तो आप शो से बाहर हो जाएंगे।
इसलिए अपने समय को अच्छी तरह से संचालित करें और स्कोर को ध्यान में रखते हुए जवाब दें। शो के नियमों का पालन करें और जो भी जवाब दें उन्हें सत्यापित करें। यदि आप शो के नियमों का पालन नहीं करते हैं या आप गलत उत्तर देते हैं तो आपकी प्रगति रुक जाएगी या आप शो से बाहर हो जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति शो के लिए आवेदन करने के लिए आपको शो की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्म को भरना होगा और अपनी जानकारी और फोटो अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा। जब आपको ऑडिशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास अपने व्यक्तिगत डिटेल्स जैसे अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि होने चाहिए जो शो की टीम को दिखाने के लिए उपलब्ध होने चाहिए। ऑडिशन में आपको कुछ संबंधित सवालों का जवाब देना होगा और कुछ टेस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा शो की टीम आपकी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकती है। यदि आपका ऑडिशन अच्छा गुजरता है तो आपको शो में भाग लेने का मौका मिल सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। कौन बनेगा करोड़पति से संबंधित लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी को दबा कर रखें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर पहुंचता रहे। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।